प्लैटिपस, मैं चाह रहा था कि तुम आ जाओ। क्या ये मुझे अपने आप को रोकने के लिए करना पड़ा, और मैं इसकी वजह अच्छे से समझा सकता हूँ। ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ जब मैंने घास के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। क्यों छेड़ दी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यूँ समझ लो मुझे घास से नफरत थी। तो मैंने सोच लिया कि मैं उस घास को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं गाय ले आया जो कि नेचुरली घास खाती है, पर वो बहुत स्लो थी। मुझे एक ऐसी गाय चाहिए थी जो घास को भूख की वजह से नहीं बल्कि नफरत की वजह से खाती हो, जैसे कि मुझे थी बहुत ज्यादा नफरत। तो मैंने इन्वेंट किया माइंड ट्रांसफरिनेटर, ताकि मैं उस गाय को अपना थोड़ा सा माइंड दे सकूं। पर इस चक्कर में मुझे उसका थोड़ा सा माइंड मिल गया, और क्योंकि गाय का दिमाग बहुत कम होता है, मेरी याददाश्त में थोड़े थोड़े गैप्स आने लगे। मेरा नमक चाटने का मन करने लगा, और मैं अचानक फार्म रिपोर्ट और पास्चर चैनल आम दिनों से ज्यादा देखने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं पूरी तरह से इंसान नहीं रह गया हूँ, इसलिए मैंने खुद को बांध लिया है। जबकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज हैलोवीन है, वो राज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं यहाँ फंसा हूँ। नहीं नहीं बस नहीं, वो फिर हो रहा है, नहीं फिर से नहीं, ये फिर से हो रहा है। मेरे रिटायर होने के लिए 3 साल और है, उसके बाद मैं आराम से सोऊंगा। अमेरिका में कोई मॉन्स्टर नहीं है, ऐसा कौन कहता है? हो जाओ तैयार जरा तुम ही, क्योंकि तुमको अभी चबाएगी और जो खाएगी ये तुमको प्यारे एक भी हड्डी नहीं बच पाएगी। आ गई है गाय, गाय जो तबाही मचा, शायद ये वार्निंग होगी काफी तुम्हें। ये गाय, गाय जो तबाही मचा, देखो ये खाना जाए कहीं तुम्हें। ये गाय, गाय जो तबाही मचाए। इंटीरियर स्पेस का ऐसा इस्तेमाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। घरों में ऐसा होता है, मुझे कोई नहीं छू सकता, मैं डरावना हूँ। मैं भूल गई हूँ, मैं एक शीज हूँ जो सांस ली है। अब समझ गया हूँ तुम क्यों डरते हो। तो मैं जिंदा भी नहीं हूँ। नदी के उस पार, हम सुरक्षित रहेंगे उधर। नदी? ये बेसमेंट कितना बड़ा? पानी का रंग और विस्कोसिटी ऐसी कभी नहीं होती है। अपनी साइंस की बातें मत करो। दिमाग, आंखें हमें पसंद है। मैंने ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताया था। मुझे कोई खास हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे जो मिले मैं खा लेता हूँ, मैं बहुत शरीफ ज़ॉम्बी हूँ। टैनविल मेडोज, जहां कल बहुत सारे घास को बहुत बुरी तरीके से काटा गया था, उसके बारे में पुलिस का ये कहना है कि वो वेयरकाउ का काम है, और सभी लोकल्स को लॉन से दूर रहने की सलाह दी गई है। दूर नहीं रहेंगे, हम उसे जरूर पकड़ेंगे। एक मिनट, तुम हमारी डेट पर मशाल अच्छा, लेकर आए हो? और तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं कहाँ हूँ, और ये मेरे मुंह में अजीब सा स्वाद कैसा है, और ये इतना सुंदर घास किसने काटा है? ओह नो, पेरी द प्लैटिपस, अच्छा हुआ तुम आ गए, जल्दी इससे पहले कि मैं मुंह करूँ मुझे लैब में पहुंचा दो। ओह, या फिर माओ, नहीं, क्योंकि ये घास है और हमने इसे काटा है तो जेल में से किसी भी पोल के पीछे छुपा होगा।